Assalamu alaikum. Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am sharing with you mirchiyon ka salan recipe. So let's start to make. तो हमने लिया है 500 ग्राम मोटी मिर्चियाँ और हम इसके डेट्स निकाल लेंगे. फिर इसे ऐसे स्लेट कर लेंगे, सारे मिर्चियों के डेट्स निकालेंगे, फिर उसे स्लेट कर लेंगे. तो हम सारे मिर्चियों को ऐसे ही कर लेंगे और अब हम ये खोपरा और फली को रोस्ट कर लेंगे. 50 ग्राम खोपरा है और 50 ग्राम फली है. और अब ये फली खोपरा रोस्ट हो गया. अब हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे 1/2 कप तेल. अब हम तिल के साथ भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का. अब ये मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं. अब हम निकाल लेंगे इसे, पेस्ट बना लेंगे इसका ग्राइंडर में. और अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, कटे हुए मोटे मिर्चियाँ भी डालेंगे फ्राई होने के लिए. तो इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे. अब ये मिर्चियाँ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब ये एक बर्तन में निकाल लेंगे. और अब हम सेम पैन सेम ऑयल में राई ज़ीरा ऐड करेंगे और एक कटी हुई प्याज. हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़े से करी लीव, लाइट ब्राउन कर लेंगे. और अब ये प्याज का कलर लाल हो गया. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर. और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये पीसे हुए मसाले. अब हम इसको लो फ्लेम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए पकने. और अब ये मसाले अच्छे से भुने गए, ऑयल भी अब अच्छे से सेपरेट हो गया है. तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये इमली का पल्प यानी कि इमली का खट्टा. इमली का खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा. और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये तले हुए मिर्चियाँ और थोड़ा पानी. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे करी लीफ, कोतमीर, हरी मिर्च, 2 कटे हुए टमाटर. तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए. और ये पकने के बाद में ये गाढ़ा हो जाता. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून. आप चाहे तो इसमें जितना चाहे उतना पानी ऐड कर सकते हैं. और अब ये मिर्चियों का सालन बनकर तैयार हो गया. तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे. हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था तो इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है. तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे.
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।